मैं डॉक्टर अजीत बाना चेयरमैन कार्डिक साइंसेज के पद पर अपनी सेवाएं एटर्नल हॉस्पिटल में दे रहा हूं। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हृदय की बीमारियां हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और ऐसा अनुमान है कि 2025 तक हिंदुस्तान वर्ल्ड की कैपिटल बन जाएगा हार्ट डिजीज़ के मामले में, हृदय की बीमारियों के मामले में। तो इस सब के लिए हमको जागरूकता लानी है और सबको मिल के कदम उठाना है जिससे कि हार्ट की बीमारियाँ हमारे देश में कम हो सकें और जो आजकल ये यंग पॉपुलेशन को, बहुत ही यंग आदमियों को ग्रसित कर रही हैं, उससे बचाव हो सके। इसके लिए बड़े सिंपल छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, जैसे कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करना इसमें सबसे पहला कदम होना चाहिए। दूसरा, संतुलित आहार। आप कभी कभी पार्टी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे तलावा, मिर्ची, मिठाई, बाजार का खाना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तीसरी चीज़, अगर आपको किसी को परिवार में ब्लड प्रेशर, हार्ट की या डायबिटीज़ की बीमारी है तो अपना चेकअप कराएं और रेगुलर चेकअप कराते रहें। अगर किसी को इनमें से कोई भी बीमारी है तो वो अपनी रेगुलर तरीके से दवाई खाए। कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो डॉक्टर को दिखाएं, उसके हिसाब से एक अनुचित मात्रा में उसकी दवाई को खाया जाए। मैं वर्ल्ड हार्ट डे पे राजस्थान की जनता को और इस देश की जनता को ये अपनी तरफ से सजेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग और हम सब लोग मिलके अगर हृदय की बीमारियों की रोकथाम के लिए कदम उठाएंगे तो इस बीमारी को हम कल कुछ सालों में कंट्रोल कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आपका हृदय स्वस्थ रहे। धन्यवाद।